गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वैंको व्लॉग्स। तो आप लोगों को पता ही होगा, कई बार कुछ अनोइंग गेस्ट आ जाते हैं घर पर जिनको आप अच्छे से जानते भी नहीं है, वो कुछ ज़्यादा ही दूर के रिश्तेदार होते हैं। उसी तरह आज मैं बनी हूँ पिंकी बुआ। हाँ, और ये भी बताना कि आपने वीडियो के किस पार्ट से रिलेट किया। तो चलते हैं वीडियो में, देखिए। और वीडियो को लास्ट से देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप इस पिंकी बुआ के साथ बहुत मजे लेंगे। तो चलिए चलते हैं। अच्छी बात है, सपना था। हाँ बेटा, पिंकी बुआ आ गई, चलो आइए। प्रॉब्लम नहीं है, सब मैनेज हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, हाँ ठीक है। आप लोग मास्टर बेडरूम में सो जाना, हम लोग छोटे वाले हॉल में सो जाएंगे और बस सबके सोने का हो जाएगा। हाँ तो हम मैनेज कर लेंगे, मास्टर बेडरूम पे हम मैनेज कर लेंगे, है ना? हो जाएगा ना? हो जाएगा। वैसे मैं सो जाऊंगा सोफे पे, कोई बात नहीं। इतना प्यारा है। हाँ हाँ ठीक है, तुम सो जाना सोफे पे, हम तो कर लेंगे मास्टर बेडरूम में मैनेज, है ना? अच्छा, सोफे पे एक्चुअली सोफे पे सोने से सेहत सही रहती है। मास्टर बेडरूम देने पे भी कहा जा रहा है कि मैनेज हो जाएगा। हे भगवान। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं सो जाऊंगा सोफे पे। मैं सुनू को आदत सोने की, पिछली बार 5 लोग आए थे तो ना सोफा भी ना सोने के लिए, इसके बाद 3 लोग आए, सोफा तो मिल गया सोने के लिए। पिंकी की शादी में तो ना इतने लोग आए थे, किचन में सोना पड़ा था सिंक के पास बिना तकिए के। सो जाऊंगा सोफे पे। हुआ, नया तकिया निकाला है आपके लिए, वो ब्लैंकेट भी नया है। अगर दिक्कत हो तो मुझसे बोल रहा हूँ, यहीं पे पड़ा, मतलब यहीं पे सो रहा हूँ, अच्छी नींद आएगी यहाँ पे। सुबह 6:30 बजे सोया था मैं, और सबको पता है सुबह 6:30 बजे की नींद कितनी प्यारी होती है। इतने अच्छे किंजरे के सपने देख रहा था, बस होने वाला था, जगा दिए उन्होंने। अरे सुनो बेटा, आलू के पराठे बनाने हैं, मार्केट से आलू ला दो जरा, जाओ जल्दी। अच्छा दीदी, पराठे बन रहे हैं, बेटा मक्खन लगा देना, मक्खन में स्वाद नहीं आता मेरे को, भर के लगाना, थोड़ा अच्छा सा लगना चाहिए, मुझे पसंद हो जाए। अब मुझसे कराएंगे दिहाड़ी मजदूरी, मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं और अभी खाएंगे आलू के पराठे घी वाले, अब बटन लेके उनके लिए जाके मोटे, एक्सरसाइज तो करने की ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं, घी पराठे खाएंगे दोनों में से एक काम कर लिया करो, कहते एक्सरसाइज कर लो फिर मोटे हो जाके खा खा के। पता नहीं इनको क्या है, एक दिन ब्लड चेक लगवाते हैं पूरे, पता नहीं क्या करेंगे इतना। भाभी, ओह मम्मी के कपड़े, अब मजा आएगा। ओ भाभी, आपने ये नाइटी कहाँ से ली? बताओ ना कहाँ।
से लीव, मैं भी ऐसी ही ले लूंगी। अरे दीदी आपको इतनी अच्छी लग रही है तो आप ही रख लो, ये तो मैं पिछले हफ्ते ही लेकर आई थी, लेकिन आपके ऊपर तो बहुत अच्छी लग रही है, आप ही रख लो इसको। वैसे भाभी आपने कितने की है ये तो बताई नहीं, मैं भी ले लूंगी वहीं से जहाँ से आपने ली है। अरे दीदी आप कहाँ ढूंढती फिरोगी, मैं अपने लिए लाई थी तो भी एक ही बार पहनी होगी मैंने, आप ही रख लो, वैसे भी आपके ऊपर तो ये बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा ठीक है, अब आप इतना बोल रही है तो मैं रख ही लेती हूँ। कौन सा देने वाली थी पहले, मैं ही रखूंगी अब तो। दो दिन में आज पेड़ साफ हुआ अच्छे से। सुबह वाली गलती दोबारा नहीं करूंगी मैं। जी ने किया है फूफा जी ने आपका सब यूज। फूफा जी ने कैसे कैसे रिश्तेदार है जो सबको अलग साबुन रखा है नया, फिर भी मेरे साबुन को इस्तेमाल करा है, मैं तो आज नहा ही नहीं थी। अरे कब जाएंगे ये लोग। मेहमान नवाजी एक तरफ, लेकिन ये बताओ ये मेहमानों की चड्डी ये सुखाने का रिवाज किसने निकाला है। हाँ हाँ ऑफ कोर्स यार, ग्लव्स पहन के ही चड्डी सुखाऊंगी, अपने हाथों से थोड़ी ना सुखाऊंगी। ओ कोची चड्डी, ये फूफा जी की चड्डी यहाँ पड़ी है। ची तो ऐसे क्या देख रहे हो, भाई के घर आई हूँ मैं अपने, तो मैं क्यों मन करेगा उनमें से वो पहनूंगी। वैसे भी भाई के घर आई हूँ तो ज्यादा कपड़े थोड़े ना लेके जाऊंगी, और मेरे भाई ने दिलाए तो वैसे सारे कपड़े मेरी भाभी को ले लेती हूँ इनमें से ही। ये सही है ना, अभी आती हूँ। भाभी मैं कुछ मदद करूँ क्या आपकी। अरे नहीं नहीं दीदी मैं कर लूंगी। भाभी मैं सब्जी काट देती हूँ। अरे नहीं दीदी। भाभी मैं आलू काट देती हूँ। अरे मैं खुद ही आलू छील लूंगी, आप टेंशन मत लो। वैसे कुछ काम है क्या भाभी, मैं आऊं? ऐसे करो मैं चटनी पीस देती हूँ। नहीं दीदी कोई जरूरत नहीं है, दाल में तड़का मैं लगा देती हूँ। अरे दीदी ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है कि आपसे मैं काम करवाऊं, वैसे तो जैसे बड़ा कर लूंगी। सलाद काटने के भाभी। अरे मैं कर लूंगी, सलाद भी मैं खुद ही काट लूंगी। अच्छा भाभी मैं खाना लगाने में कोई मदद करूं? रहने दो आप आराम करो, ससुराल में तो हमेशा लगी रहती हो, क्या जरूरत है। अरे नहीं नहीं मैं प्लेटें जमवा देती हूँ। मैं कर रही हूँ ना दीदी, आप रहने दो। करेगी कब दिखाएगी ज्यादा, सब बताया हमारी सासू माँ ने हमको कैसे कैसे काम चोर हराम खो रहे, घर में इससे कुछ नहीं होता था, सारी इसकी स्टोरी पता है। अपने ससुराल में तो
यहाँ से वहां एक गिलास नहीं उठा के रखेगी। और यहाँ देखो भाभी मैं ये कर दूं, भाभी मैं वो कर दूं। अरे तो कर दो ना, मना किसने करा है, वहां बैठे बैठे बोल रही हो। काम भी नहीं हो रहा मेरे से तो। सुबह उठो 4 बजे से इनके काम में लगो, रात को 10 बज जाए मुझे काम करते करते। छोले खाएंगी अब ये, इनके पति को सुबह नाश्ते में चाहिए पराठे, वो भी ब्रेड बटर वाले। अच्छा अब आप करी लोगी तो आते हो, प्लीज ठंडा पानी ले आना मेरे लिए एक गिलास, प्यास लग रही है। वो मैं बोल रही थी इतनी देर से, तो मेरे को ठंडा पानी ले आना। ला रही हूँ ठंडा पानी दीदी। पानी दे आऊं जरा महारानी जी को, बैठी होंगी आराम से सोफे पे पैर क्रॉस करके चश्मा लगा के टीवी देख रही होंगी। क्या भाई के घर आई हूँ मैं अपने, लिपस्टिक भी नहीं लगाऊं, वैसे भी मेरी थोड़ी है, भाभी की है, लक्ष्मी की है, ले जाऊंगी बच्चे अपने साथ। अब बस पद भी करो, भाई के घर आई हूँ काम थोड़ी ना करूंगी, वैसे लिपस्टिक अच्छी लगी है ना। अब सुबह से देख रहे हैं शूट करे जा रहे हो, चलो जाओ यहाँ से, लिपस्टिक लगा लेने दो ना, चलो जाओ जाओ। अरे मैं चड्डी कहाँ है, चड्डी कहाँ रखी मेरी। अरे यार चड्डी रखूंगी, नीचल तो नहीं है ये। अच्छा ये तो पापा का तौलिया है, अब पापा के और इनके जीजा जी के बीच का मामला है, मैं टेंशन कर रही कर लेंगे अपने। ये आपका है, आपका है ये, मैं ले लूं। अच्छे बाबू हो ना, मामा तो उसको खराब हो जाएगा वो। ये आपका है, ये आपका है, ये आपका, मैं ले लूं। अरे आप दूसरे भाई के साथ खेल लो, ये मेरा है बूझो, मैं किसी को नहीं हाथ लगाने देता, मम्मी ने दिया था मेरे को रखो। अच्छा लग रहा है ना ये, अरे वो शादी पहनते है बड़े बच्चों का है, तुम्हारा नहीं है, रखो उसको वापस। अच्छा लग रहा है ना, अरे उसे मत छेड़ो। हेलो मम्मी, हेलो। अरे वो कार साफ करने का स्प्रे है, माइक नहीं है वो, रखो उसको। माइक माइक हेलो, मैं पानी पानी हो गई। अरे बहन रख दे उसको, अरे वो माइक नहीं है, रखो उसको। अरे यार हेलो, रखो उसको वापस, टॉफियां मत छेड़ो, आपने बहुत सारी खा ली ना, नाक खराब हो जाएंगी, बड़ों की टॉफियां है वो रखो। मेरी ना टॉफ चॉकलेट भी खा ली इन्होंने, रखी थी फ्रिज में सारी खा ली, मुआ भी नहीं है, अब बताऊंगा इसको, रख रख उसको वापस, हर जगह हाथ पहुंच जाए तुम्हारा, क्या कुछ भी रखाओ तो थप्पड़ लगाऊंगा, खींच के रख उसको वापस, जब मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊं तो कोई चीज हाथ लगाने देते हो तुम, रखो उसको वापस रख। बेटा सुनो रिकॉर्ड करो ढंग से, हम ऐसे मेहमान नहीं है जो आके परेशान करे लोगों को, हम बिल्कुल सीधे हैं, अपना काम खुद करते हैं। पता है हमारे तो रिश्तेदार है ना, और बाकी सारे के सारे हमको बुलाते हैं घर पे, क्योंकि हम परेशान नहीं करते और की तरह अपना काम खुद करते हैं, ना किसी बोझ बने फिरते। मुझे ना पेट में ना गैस हो रही है, वो खाया समोसा ये लास्ट वाइज में कट कर देना, पूरी डाल ना कट कर देना लास्ट वाइज में, ठीक है।
मेहमानों में ना एक बात अच्छी होती है कि खाने को अच्छा मिलता है। मम्मी सुबह बनाए छोले भटूरे, अब मम्मी बनाएगी भेड़ में पूरी, आलू की सब्जी, खीर, पापड़, मजा आ जाए, पराठे भी मक्खन मार के। बस ये लोग खाएं, मैं भी खाऊं, मम्मी तो खीर खानी है, मस्त मजा आएगा। मियाल खाना रेडी है, चलो आ जाओ, बुआ फूफा जी ने भी खा लिया, खाना खाने के लिए बुलाया। अरे खाना रेडी है, चलो बुआ फूफा जी ने भी खाना खा लिया, आ जाओ आप भी, खाना खाने के लिए बुला रहे हैं। ये अब मैं खाऊंगा पूरियां, मस्त मजा आएगा, खीर पीऊंगा, यस चल चल, अब खाऊंगा खाना, यस। हैं पनीर कहाँ है इसमें, पनीर कहाँ है मम्मी? अरे बेटा बुआ फूफा जी को पनीर की सब्जी बहुत अच्छी लगी थी ना, तो सारी की सारी पनीर उन्होंने ही खा ली, ये भी है उसी से खा ले। मतलब कुछ भी, अब मैं क्या खाऊं, पानी ओनली, ग्रेवी भेज दूं। अरे लो बेटा, मैंने बेटी के लिए तो खीर बचा के रखी थी, मुझे पता था वो लोग खा जाएंगे। मैंने पता ही क्या किया, ये कटोरी भर के खीर गैस के नीचे घुसा दी, उनको पता है मेरे कच्ची को तो बहुत अच्छी लगती है, खा लेता खा लेता। वो बुढ़िया के हाथ तो हर जगह पहुंच जाते हैं, इसीलिए तो गैस के नीचे छुपाया था मैंने, खा लेते खा ले खा ली। अरे आप लोग अभी तक यहीं बैठे हो, वीडियो खत्म हो गई। अगर आपको वीडियो को देखने में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। वैमको व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे हाँ, कमेंट्स में ये भी बताइए आपके घर में भी ऐसे ही गेस्ट आते हैं क्या, क्यों कोची? यस बाय।